आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चटाकेदार रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी है। आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम इस नई रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को दोस्तों बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चने ले लिए हैं, ये नॉर्मली जो हमारे ब्राउन कलर के जो चने आते हैं मार्केट में वो मैंने ले लिए हैं। इनको अच्छे से मैंने भिगोकर थोड़ा सा इन्हें बॉईल कर लिया था। अब हम इनको मिक्सी के जार में थोड़ा अच्छे से पीस लेंगे। आपको इन्हें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इन्हें हम थोड़ा सा इन्हें बॉईल कर लेंगे। इनको हम अच्छे से पीस लेंगे। दोस्तों ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इनको हमने अच्छे से पीस लिया है। आपको ध्यान रखना एकदम बारीक पेस्ट नहीं करना है, इनको हमने दरदरा सा पीस लिया। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पीस लेंगे। इसको हमने एक बोल में निकाल लिया है, अच्छे से हम निकाल लेंगे। लगभग यहाँ जो मैंने चने की क्वांटिटी ली थी वो मैंने एक कप चने ले लिए थे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, रेसिपी को एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ इसमें हम एक आलू को किस लेंगे अच्छी तरीके से ताकि आलू के जो गुठले हैं वो ना रहे। यहाँ लगभग मैंने एक आलू ले लिया है मीडियम साइज का। सिर्फ हमें उतना ही आलू यूज़ करना है, सिर्फ बाइंड के लिए ही हम उतनी ही आलू का यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने एक आलू को अच्छी तरीके से इसमें किस लिया है। इसमें हम डालेंगे स्वाद के हिसाब से, आपको इसमें नमक ऐड करना है, थोड़ा सा हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ को भी दोस्तों हमने थोड़ा दरदरा कर लिया था। थोड़ा सा यहाँ मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया खटाई के लिए, आप चाहे तो नींबू के रस का यूज कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला, लगभग आधा चम्मच जितना मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाल दिया है ताकि ये जो रेसिपी है वो बहुत चटपटे लगेंगे हमें। यहाँ कॉर्नफ्लोर मैंने यूज़ किया है ताकि अच्छे से बाइंड हो सके, और एक चम्मच यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इनका इसका एक डो तैयार कर लेंगे। खाने में दोस्तों ये बहुत टेस्टी लगते हैं, इनको आप चने की कटलेट भी कह सकते हैं। अब दोस्तों हम इसमें थोड़े से वेजिटेबल मिलाएंगे ताकि ये हेल्दी रहे। इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी है, लगभग यहाँ मैंने एक छोटे साइज की प्याज ले ली थी। एक यहाँ मैंने हरी मिर्ची का यूज़ किया है और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने गाजर डाल दी है। और यहाँ हम डालेंगे हरा धनिया। हरे धनिया को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं अगर आपको और ऐड करना हो। अब हम इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो वेजिटेबल हैं वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और इसका हम एक प्रॉपर डो तैयार कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है दोस्तों, एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए हमने इसका अच्छे से डो तैयार कर लिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रखा रहने देंगे, लगभग 2 से 5 मिनट के लिए। आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं, अगर इसकी लोई बन रही है तो हमारा जो डो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। 5 मिनट बाद हम देखेंगे ये अच्छे से हो गया है। अब हम इसके अच्छे से कटलेट का शेप देंगे। आप जो चाहें वो शेप इन्हें दे सकते हैं, आप चाहें तो चौकोर शेप दे दें। मैं इस तरीके से बॉल बनाकर इन्हें छोटी छोटी लोई का या कटलेट का हम इन्हें शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इन्हें बना लेंगे। आपको ये देखिए हल्का सा अगर आप चाहें तो हाथ में ऑयल लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से ना भी लगाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखिए इस तरीके से हम सारे जो डो है उनको कटलेट का शेप दे देंगे। खाने में दोस्तों ये बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही यमी रेसिपी है, बच्चों के लिए भी आप रख सकते हैं। इवन गेस्ट आने पर भी आप ये सिंपल सी रेसिपी बना सकते हैं जो कि हटके है। ये देखिए सारे डो के हमने कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कटलेट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम एक पैन लेंगे, इनको हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आपको इन्हें सेमी फ्राई करना है या टिक्की की तरह हम इन्हें सेकेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी इन्हें कर सकते हैं, जिन लोगों को अगर डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई भी इन्हें कर सकते हैं। हम सेमी फ्राई करेंगे इसलिए देखिए तवे पे मैं एक एक करके ऐसे रख दूंगी और इन्हें हम जैसे हम टिक्की सेकते हैं आलू की उसी तरीके से इनको सेकेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए इनको हम पलटते रहेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ना हो जाएं, दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। ये देखिए इसी तरीके से हम पलटते रहेंगे और दोनों साइड से हम इन्हें अच्छी तरीके से सिकने देंगे। ये देखिए दोस्तों इसी तरीके से पलटते रहेंगे।
ये देखिए हमारे जो कटलेट है वो बनकर तैयार हो गए हैं चने के। आपने कभी चने के कटलेट नहीं खाए होंगे दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। पोहा के तो आपने बहुत खाए होंगे, चावल के भी एक बार चने के कटलेट बनाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखिए हमने एक एक करके सारे कटलेट इसमें से निकाल लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन बिल्कुल क्रिस्पी सिके हैं दोनों साइड से। बाकी कटलेट भी हम इसी ऑयल में सेक लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से बाकी कटलेट जो हमारे बचे हुए हैं वो हम इसमें भी धीरे धीरे करके सेक लेंगे। आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। इवन आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी ऐसे बनाकर रख सकते हैं, जो कि हेल्दी भी है, कम ऑयल में बनी है और इसमें वेजिटेबल भी हमने भरपूर मात्रा में डाले हुए हैं। आप चाहे तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं या और वेजिटेबल जो आप डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए दोनों भी अच्छे से सेक लेंगे हम पलट कर बार बार। इन्हें भी हमें अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए दोस्तों हमारे चने के कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं, इन्हें हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए हरी धनिया का यूज करेंगे। इन्हें हम सॉस के साथ, आप चाहें तो सिर्फ सॉस के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं, और हरी चटनी के साथ इन्हें हम सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। हमारे चने के कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है और एकदम क्रिस्पी और बहुत ही हेल्दी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नित्या मोम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन का जो बटन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि मेरी रेसिपी आप लोगों तक पहुंचती रहे। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म ये चना कटलेट बनकर तैयार है। दोस्तों मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और बनाइएगा ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अगली रेसिपी आप किस तरह की लेना पसंद करेंगे। तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए वैसी ही रेसिपी लेकर आऊँ। थैंक यू दोस्तों।